पश्चिम बंगाल की सरकार को शारजा शेख केस में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट से झटका मिला। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से शारजा को सीबीआई के हवाले करने का शाम 4:15 तक का वक्त दिया था, जिसके बाद 3:45 पर सीबीआई की टीम शारजा को लेने कोलकाता में पुलिस मुख्यालय पहुंची, मगर बंगाल पुलिस ने अभी हैंडओवर नहीं दिया। मंगलवार को हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी बंगाल पुलिस ने शारजा को केंद्रीय जांच एजेंसी को नहीं सौंपा था। पुलिस ने कहा था कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए शारजा को सौंप नहीं सकती। इसके बाद सीबीआई 2 घंटे के इंतजार के बाद लौट गई थी। दरअसल पश्चिम बंगाल की संदेश खाली में 5 जनवरी को ईडी की टीम टीएमसी नेता शेख शारजा के घर रेड करने पहुंची थी। इस दौरान शेख के समर्थकों ने टीम पर जानलेवा हमला किया था, इसमें कई अफसर घायल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सुनवाई से इनकार किया। राज्य सरकार ने शारजा को सीबीआई को सौंपने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार शाम को याचिका लगाई थी, जिस पर बुधवार सुबह 11 बजे सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सुनवाई से इनकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजीव खन्ना ने बंगाल सरकार से कहा था कि अपनी एप्लीकेशन सीजीआई को भेज रहे हैं और वे यही याचिका की लिस्टिंग का फैसला लेंगे।